नमस्कार इतिम्र स्टुडियो मैं प्रियंका प्रथम से ब्रेकिंग न्यूज उत्तर दिल्ली सब्जी मंडित भयंकर दुर्घटना संघटित चारिमहलिया अट्रालिका खहि आहत बहु लोक दूटी शिशु और एगारी महिला उद्धार अट्रालिकाट तो एवं बहु लोक आबद्ध आशंका सब्जी मंडिर घटन दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शोक प्रकाश बांग्लादेशर बीएसएफे भारतक हस्तांतर कर मुकुल हजरीक मंगलदै थाना आरक्षी विषया दंतेजी देउरीर नेतृत्व जो आरक्षी एट दल और पितृ फुलेश्वर हजरीक समझी लय मुकुल हजरीक कई स्वगृहत उपस्थित हम मुकुल हजरीक उल्लेख से विगत प्राय पांच बस पूर्वे निर्दिष्ट मंगलदै केउटपारा गांवर युवक मुकुल हजरीक 2019 पांच मेत पोहर आहिसिल मुकुल हजरीक बांग्लादेश आबद्ध हो थकार कथा 2019 पांच मेत पत्र बांग्लादेश कारागार मुकुल हजरीकार म्याद उकलिसिल किन्तु घर उभतई आनब समर्थ नासिल परियालटो बांग्लादेश न्यायिक जिम्मार म्याद उकलार दुबसर पिछत घर आहिब मुकुल हजरीक दरंग जिला आरक्षी अधीक्षक सुशांत विश्व शर्मार तत्परतात इतिम्य मंगलदै थाना आरक्षी विषया दंतेजित देउरार नेतृत्व एट आरक्षीर दल और पितृ फुलेश्वर हजरीक आज दिन समझी लय मुकुल हजरीक रूपहियानर बालिकात भयंकर पथ दुर्घटना संघटित पथ दुर्घटनात गुरुतर आहत नूरजहान नामर एगारी महिला सीसीटीवी केमेरा बंदी से समग्र दृश्य महिला खुंदिये बगरी पड़े बैक आरोह रास्ता पार हर समय बैके खुंदिये महिला आहत महिला चिकित्सालय भर्ती करवा दुर्घटनार समग्र दृश्य बंदी सीसीटीवी केमेरा एगारी महिला एन बैके खुंदियार दृश्य बंदी केमेरा महिला खुंदिये बगरी पड़े बैक आरोहीगढ़ रास्ता पार हर समय दुर्घटना संघटित है बैके खुंदिये रास्ता पार हो महिला इतिम्य महिला चिकित्सालय भर्ती करवा एक ब्रेकिंग न्यूज मुख्यमंत्री सही जाल कोरी पीएचसी ठिका आवंटन लोहित कन्स्ट्रक्शन नाम मुख्यमंत्री सही जालियातर तथ्य पोहर आहिसे पीएचसी कार्यालय धरा पड़ी सही जालियातर तथ्य मुख्यमंत्री कार्यालय दाखिल कर एजहार धृत इमरान शाह चौधरी नियंत्रण कर नक्साज दिल्ली इमरानक आत्मगोपन कर सहय कर राजीव चौधरी दिलीप दास अनुपम चौधरी प्रकाश बसुमतार मुख्यमंत्री प्रकृत सही कलेक्शन कर पलतक दलाल ठिकादार अनुपम चौधरी और प्रकाश बसुमतारी तीन कोटि टका ठिकार बाबे वर्क अर्डर प्रस्तुत करिसिल एक एगराकी लोके विश्वनाथ जिलार बिहालीर रांगशाली अंचल ब्रह्मपुत्र नईत उद्धार हुई एटा बेग बेगर भितर आसे एजन लोकर गुरुत्वपूर्ण नथि पत्र सह परिचय पत्र बेगटोत पुआ गैछे लक्षिमपुर ढकुआखानार मदन पेगु नामर लोकजनर नथि पत्र भोटार कार्ड पेन कार्ड एटीएम कार्डर लगते गाड़ीर नथि पत्र उद्धार करा हुई কেজনমান মাছ মৰিয়ে উদ্ধাৰ কৰে বেগটো বেগটো নিমাতিঘাট নাও দুৰ্ঘটনাৰ যাত্ৰী বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে আজি বিহালী থানাত চমজাই দিয়া হয় বেগটো উল্লেখ যে বিশ্বনাথ ঘাটতে উদ্ধাৰ হৈছিল নাও দুৰ্ঘটনাত নিহত ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰাৰ বেগ আৰু তাৰ এদিন পিছতে উদ্ধাৰ হৈছিল ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰাৰ মৃতদেহ स्किम आस ए डि बैंक अपना स्टेट बैंक इको बैंक और गाड़ी ड्राइविंग लाइसेंस आदि चौदह कार्ड माँ मार जाते माँमरिया मानू माँ मार जाते अपना बेग तो पासी बेग तो पाई पे मैं मैं तक कि नथिपत्र आए निकी चाई चार पास अपना पान कार्ड ए टी एम कार्ड ये पाल पाई पे लो ली पी डिपि अवगत करल अवगत कर पे बस्तुखि राति हर कारण समझा निदिल इतना समझा दी ए टी एम आसनर पान कार्ड आज भोटार आई डी आए तार पद गाड़ी आर सी आए तार पार्टी बैंकर किसान कार्ड आए बिहार गोपालगंज करोनार भैक्सिनर प्रति सजगता सृष्टि करवस्था ग्रहण करेंद्र टीका ग्रहण कर पिछत गोलाप उपहार दिए टीका ग्रहणकारी क्यों टीका ग्रहणकारी उत्साहित हर आनको टीका लगे सजगतार सृष्टि कर টিকাকৰণৰ পাছতেই এপাহকৈ গোলাপ টিকা লগাওক গোলাপ পাওক
এয়া এক প্রচেষ্টা উৰা বাতৰিৰ পৰা ৰক্ষা কৰা সন্মানৰ জৰিয়তে সুৰক্ষাৰ ভাৱ জগাই তোলা এই সমূহ দৃশ্য বিহাৰৰ গোপালগঞ্জ চহৰৰ আম্বেদকাৰ ভৱনৰ টীকা কেন্দ্ৰৰ য'ত জনসাধাৰণক গোলাপ ফুল দি সন্মান জনোৱা হৈছে আৰু ক'বলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে টীকা 100% সুৰক্ষিত সেয়েহে নিজে লগোৱাৰ লগতে আনকো লগাবলৈ উৎসাহিত কৰক यहाँ पर गुलाब देने का परंपरा ये इसलिए भी है इसलिए भी हम दे रहे हैं कि गुलाब देने के बाद हमारी जो वैक्सीनेटर हैं मतलब वैक्सीन ले रहे हैं वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो जाके अपने पति को अपने माता पिता को ये बताते हैं कि मैंने तो वैक्सीन ले लिया क्या आपने लिया टीकाकरण एटियाओ एकांखर मनत भ्रांति आछे एकांखय टीकाकरण क्षेत्र पिछला हुहका नीति अवलम्बन करिछे একাংশই আকৌ টীকা লগোৱাৰ পাছতো আশংকাত আছে আৰু এই আশংকা লগতে পিছলা হুহকা নীতিক দূৰ কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনে এই বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে আম্বেদকাৰ ভৱনৰ এই উৎসাহে বহু লোকক প্ৰভাৱিত কৰিছে আৰু তেওঁলোকে আনকো টীকাকৰণ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আবেদন জনাইছে কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখনত টীকাকৰণেই একমাত্ৰ অস্ত্ৰ এই কথা ইতিমধ্যে কোটি কোটি লোকে বুজি পাইছে আৰু তেওঁলোকে টীকাকৰণো কৰোৱাইছে কিন্তু যিসকলে এতিয়াও বুজি পোৱা নাই তেওঁলোকে সোনকালেই বুজি পোৱা উচিত কাৰণ টীকাই হ'ল সঞ্জীৱনী আপুনিও পলম্ব কৰিব নিজেও টীকা গ্ৰহণ কৰক আনকো টীকা ল'বলৈ উৎসাহিত কৰক ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 নেটৱৰ্ক বিটিআর বিজেপি ইউপিপিএল আর জিএসপির সরকার চলি আছে আর যে সমষ্টি ইউপিপিএলের প্রার্থী আছিল সেই সমষ্টিত ইউপিপিএলের প্রার্থী থাকিব যত বিজেপিয়ে প্রার্থী দিছিল তাত বিজেপি থাকিব আর বিপিএফক কোনো কারণতে সমষ্টি এড়ি দিয়ার কথা নাহে উপনির্বাচনক লৈ এই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করে বিটিআর প্রধান প্রমোদ বড়োয়ে মঙ্গলদৈ বিধানসভা সমষ্টির অন্তর্গত মোগলবেসা গাঁত উইভিং সেন্টার মুক্তি অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করে উপনির্বাচন সন্দর্ভত এই মন্তব্য করে বিটিসির চিফ প্রমোদ বড়োয়ে বিটিআরত বিজেপি ইউপিপিএল আর জিএসপি সরকার চলি আছে আর যে সমষ্টিত ইউপিপিএলের প্রার্থী আছিল সেই সমষ্টিতে ইউপিপিএল প্রার্থী থাকিব যত বিজেপিয়ে প্রার্থী দিছিল তাত বিজেপি প্রার্থী থাকিব আর বিপিএফক কোনো কারণতে সমষ্টি এড়ি দিয়ার কথা নাহে উপনির্বাচনক লৈ এই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছে বিটিআর প্রধান প্রমোদ বড়োয়ে মঙ্গলদৈ বিধানসভা সমষ্টির অন্তর্গত মোগলবেসা গাঁত উইভিং সেন্টার মুক্তি অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করে উপনির্বাচন সন্দর্ভত এই মন্তব্য করে প্রমোদ বড়োয়ে বাই ইলেকশনটো জেনেৰেল ইলেকশ্যনৰ নিচিনা ইমান কঠিন নহয় সেইকাৰণে জাষ্ট এইটো এটা ফৰ্মেলিটিছ এতিয়া ইউ পি পি এল বিজেপি আৰু জি এছ পিৰ ইয়াত চৰকাৰ চলি আছে আমি সকলো একেলগে আমি কাম কৰি আছোঁ গতিকে বাই ইলেকশ্যনত আমাৰ যি য'ত য'ত কেণ্ডিডেট দিয়া হ'ব চব কেণ্ডিডেটে বিজয় হ'ব আমাৰ পৰা কেণ্ডিডেট দিম য'ত য'ত আমি আছিলোঁ আমি খেলিছিলোঁ তাত আমাৰ কেণ্ডিডেট থাকিব ক'ৰবাত বিজেপি আছিল তাত বিজেপিৰ কেণ্ডিডেট থাকিব না বি পি এফটো লোৱাই নাই কেনে আছে কাজিৰঙা বানত উদ্ধাৰ হোৱা কৃষ্ণ জন্মৰ দহ দিন পিছতে মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱা কৃষ্ণ এতিয়া লালিত পালিত হৈছে কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰত কৃষ্ণ হৈছে বিগত বানত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত উদ্ধাৰ হোৱা এটি কণমানি গড় পোৱালি উদ্ধাৰ কৰা দহ দিন পাছত এতিয়া মাতৃ স্নেহ দিয়াৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰই চিকিৎসা আৰু পৰিচৰ্যাৰ মাজত সুস্থ হৈ উঠিছে এতিয়া বিশদিনীয়া গড় পোৱালিটো শেহতীয়া বানৰ আগষ্ট মাহত কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ দিনা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ মিহিমুখৰ এটা হাইলেণ্ডত উদ্ধাৰ হৈছিল মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰা গড় পোৱালিটো জন্মাষ্টমীৰ দিনা উদ্ধাৰ হোৱাৰ বাবে চিনাক্তকৰণৰ সুবিধা হোৱাকৈ পোৱালিটোৰ নাম কৃষ্ণ ৰাখিলে বন্যপ্ৰাণী আৰু উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰই কেন্দ্ৰটো চিকিৎসাকৰ্মীৰ পৰিচৰ্যা তথা স্নেহৰ মাজত নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰিছে গড় পোৱালিটোৱে জন্মৰ দহ দিন পিছতে মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱা গড় পোৱালিটোক উদ্ধাৰৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মাকক বিচাৰি পালে উভতাই পঠাব পৰা গ'ল হয় বুলি মন্তব্য কৰে কেন্দ্ৰটোৰ চিকিৎসক শামছুল আলীয়ে এতিয়া উদ্ধাৰৰ দহ দিন অতিক্ৰম কৰিলে যাৰ বাবে মাকৰ মৰম স্নেহৰ পৰা বঞ্চিত হৈ কেন্দ্ৰটো ডাঙৰ দীঘল হ'ব লগা হৈছে গড় পোৱালিটো উল্লেখ যে বিগত বৰ্ষৰ বানত মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱা আন চাৰিটা গড় পোৱালি এতিয়াও প্ৰতিপালিত হৈ আছে কাজিৰঙাৰ পাণবাৰীস্থিত বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰত
দহদিনীয়া এটা পোৱালি আমি পাইছিলোঁ। সেই পোৱালিটো মিহি গেটৰ মিহি যোনটো হাইলেণ্ড তাৰ পৰা পাইছিলোঁ। আজি 10 দিন হ'ল, তাৰমানে তাৰ বয়স 20 দিনমান হৈছে এতিয়া। আৰু সেই পোৱালিটো এতিয়ালৈকে ষ্টেবল আছে আৰু এমাহৰ পিছত টোটেলি আমি ক'ব পাৰোঁ যে কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে। গাখীৰ ভালকৈ খাই আছে, টাইমত হয়, যোনটো ফষ্টাৰ মাদাৰ তাৰ লগত ভালকৈ ইণ্টেকশ্যন কৰি আছে, মানে যোন মানুহে তাক ঘৰটোক চায় তাৰ লগত ইণ্টেকশ্যন ভালকৈ কৰি আছে। খোজকঢ়াও আমি এক্সাৰচাইজ কেইটামান কৰাওঁ সিহঁতক, সেইটো কৰি আছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি বা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस बुलेटिन की सुर्खियां। भूपेंद्र पटेल आज लेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ। राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कल राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात कर दिया था सरकार गठन का प्रस्ताव। कहा सभी के साथ मिलकर गुजरात को विकास के पथ पर बढ़ाएंगे आगे। गुजरात बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भूपेंद्र पटेल को बधाइयों का तांता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा उनके नेतृत्व में प्रदेश की जारी विकास यात्रा को मिलेगी नई ऊर्जा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा पूरी निष्ठा और समर्पण से जन कल्याण के कार्यों को मिलेगी नई गति। राष्ट्रव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक जारी। देश भर में अब तक 74,23,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। दादरा और नगर हवेली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, लक्षद्वीप और सिक्किम में 100% वयस्क आबादी को कोविड वैक्सीन का पहला डोज लगा। अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों की मदद करने के लिए विश्व समुदाय से आगे आने की संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस की अपील के बाद आज यूएन की अहम बैठक। वहीं तालिबान का नया फरमान, महिलाओं की शिक्षा के लिए रखी नई शर्त, कहा लड़के और लड़कियों के लिए अलग होंगी कक्षाएं और इस्लामी परिधान अनिवार्य। और यूएस ओपन में रूस के डेनिल मेदवेदेव बने पुरुष एकल चैंपियन। फाइनल मुकाबले में खिताब के प्रबल दावेदार सर्बिया के नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में 6-4, 6-4, 6-4 से हराया। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। भूपेंद्र पटेल आज गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। रविवार को गांधीनगर में बीजेपी कार्यालय में हुई विधायक दल की बैठक में उनको नेता चुना गया। बैठक में बीजेपी विधायकों के अलावा कार्यकारी मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल, केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद जोशी, तरुण चुग, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला, प्रभारी भूपेंद्र यादव, संगठन महासचिव बीएल संतोष समेत तमाम नेताओं की मौजूदगी में भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नया नेता चुना गया। इसके बाद भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर स्थित राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिलकर उन्हें राज्य में सरकार गठन का प्रस्ताव दिया। राज्यपाल ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने ट्वीट कर जानकारी दी कि राजभवन में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नव नियुक्त नेता श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने अपने नेतृत्व में नई सरकार गठित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव को स्वीकार कर मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण के लिए उनको 13 सितंबर 2021 को दोपहर 2:20 पर आमंत्रित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी भूपेंद्र पटेल का उनको बधाई दी। अपने ट्वीट संदेश में अमित शाह ने लिखा कि
भूपेंद्र पटेल को गुजरात बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन व आपके नेतृत्व में प्रदेश की अनवरत विकास यात्रा को नई ऊर्जा व गति मिलेगी और गुजरात सुशासन व जनकल्याण में निरंतर अग्रणी बना रहेगा। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी भूपेंद्र पटेल को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में लिखा कि भूपेंद्र पटेल को गुजरात बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप पूरी निष्ठा व समर्पण भाव से गुजरात की विकास यात्रा और जन कल्याण के कार्यों को नई ऊर्जा व गति प्रदान करेंगे। भूपेंद्र पटेल को तमाम भाजपा नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने भी नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से देशभर में अब तक 74,23,00,000 से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं देश ने टीकाकरण अभियान में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। देश के 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सिक्किम, दादरा और नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश, गोवा, लद्दाख और लक्षद्वीप में पूरी वयस्क आबादी को वैक्सीन की पहली डोज मिल गई है। गोवा में कोरोना के मामलों को नियंत्रित करने के लिए कर्फ्यू को 20 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने केरल से आने वाले नागरिकों के लिए 5 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य किया है। लॉकडाउन के नए दिशा निर्देशों में कई आर्थिक गतिविधियों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन कैसीनो और कई पर्यटक स्थलों पर रोक लगा दी गई है। केंद्र ने असम में 7 नए एकलव्य विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने रविवार को गुवाहाटी में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ बैठक के बाद एक ट्वीट में ये जानकारी दी। जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने के साथ ही जनजातीय लोगों को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए 400 वन धन विकास केंद्र स्थापित करेगा। इसके अलावा दोनों नेताओं ने राज्य में 5 जनजातीय फूड पार्क बनाने के बारे में भी चर्चा की। अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा को वन धन पुरस्कार 2020-2021 भी प्रदान किया। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के मामले में सीबीआई ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 7 लोगों को रविवार और 4 लोगों को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने इन मामलों को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर दर्ज किया था और राज्य पुलिस द्वारा पहले दर्ज किए गए मामलों की जांच को अपने हाथ में ले लिया था। अफगानिस्तान में तालिबान ने महिलाओं के लिए नया फरमान जारी किया है। तालिबान ने महिलाओं को तमाम पाबंदियों के साथ उच्च शिक्षा लेने की अनुमति दी है। तालिबान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री का कहना है कि महिलाएं पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक विश्वविद्यालयों में पढ़ सकती हैं, लेकिन ये कक्षाएं लड़के और लड़कियों के लिए अलग होंगी और इस्लामी परिधान अनिवार्य होंगे। वहीं इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आज अफगानिस्तान की स्थिति पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। गुटेरेस ने अफगानिस्तान के लोगों, खासकर महिलाओं और बच्चों की मदद करने के लिए विश्व समुदाय से आगे आने की अपील की है। गुटेरेस इसी सिलसिले में जिनेवा में एक मंत्री स्तरीय बैठक भी करने जा रहे हैं ताकि अफगानिस्तान के लोगों की मदद का रास्ता साफ हो सके। उत्तर कोरिया ने नई तकनीकों से बनाई गई नई प्रकार की लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया। समाचार एजेंसी KCNA ने इसकी जानकारी दी है।
शनिवार और रविवार को हुए परीक्षणों के दौरान मिसाइलों ने अपने लक्ष्य को भेदने से पहले 1500 किलोमीटर की दूरी तय की। उत्तर कोरिया ने प्रतिबंधों को दरकिनार कर अपने एटमी हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों का आधुनिकीकरण किया है। उत्तर कोरिया बहुत सी कम दूरी की नई मिसाइलों, मध्यम दूरी की और अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है। ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन का फाइनल बहुत ही रोमांचक रहा। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को दूसरी सीड डेनिल मेदवेदेव ने हराकर यूएस ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। डेनिल मेदवेदेव ने जोकोविच को 6-4, 6-4, 6-4 से हराया। जोकोविच ने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन का खिताब जीता था। अगर वो यूएस ओपन भी जीत लेते तो वो अपने करियर का रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर लेते, लेकिन मेदवेदेव ने जोकोविच को हराकर उनका यह सपना तोड़ दिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।